बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मिसबा वकास। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फजल और करम के साथ आप बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए स्पेशल किस्म के स्नैक्स। इसको हम फ्रेंच स्वीट टोस्ट भी बोल सकते हैं। व्यूअर्स, ये बहुत ज़्यादा ही मज़े के बनते हैं। इनको बनाने के लिए चीज़ें भी बहुत हमें कम क्वान्टिटी में चाहिए होती है। अभी मैं फ़िलहाल मतलब बना रही हूँ, तो ये मैंने 4 अदरक ब्रेड के पीस ले लिए हैं। इनके किनारे कट करके तो इन्हें बेलन के ऊपर बेल लिया है। किनारे इनके कट कर लिए, उनको बेलन के साथ बेल लिया है। और क्या किया है, जो इनके किनारे थे वो मैंने ग्राइंडर में डाल के तो ये ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। इसके साथ हमें चाहिए जैम, और साथ में चाहिए एक अंडा मैंने लिया है। अंडे में काली मिर्च और नमक डाल के उसको फेंट लिया है। अब हमने क्या करना है कि ब्रेड के ऊपर लगाना है जैम, और लगा के इसको करना है रोल। तो मैं अभी आपको रोल करके दिखाती हूँ। सो व्यूअर्स, ये मैंने ले लिया है जैम, और इसको मैं लगाऊंगी अब ब्रेड के ऊपर। आज जैनब ज़ारा ने वीडियो बनाने के लिए मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो जैनब ज़ारा उसमें ज़रा अपना ना अपनी आवाज़ भी आपको सुना रही है। ये देखिए, ये लग गया। इसके ऊपर हमने अच्छे से जैम की कोटिंग कर ली। ये देखिए, जैम को रख दिया मिक्स साइड पे। और ये देखिए, आराम आराम से हमने इसे रोल करना है, ये टूटे ना। बाकी जब हम इसे ब्रेड क्रम लगाएंगे तो ये सेट हो जाएगा। अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम लगाएंगे, ये सेट हो जाएगा। ऐसे ही हमने बाकी भी बना लेने। सो व्यूअर्स, ये हमारे रोल जो है वो बन के, मतलब इनको मैंने रोल कर लिया है, ये रेडी हो चुके हैं 4। अब मैंने क्या करना है, पहले इसे अंडे में डिप करेंगे, फिर इसे ब्रेड क्रम में डिप करके तो फिर तवे के ऊपर इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। सो व्यूअर्स, ये रोल को मैंने पहले अंडे में डिप किया है, अब इसको ब्रेड क्रम लगाएंगे। ये देखिए, अच्छे से कोट किया और आहिस्ता से पकड़ के रख दिया हमने तवे के ऊपर। जो आपकी आंच है वो बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, ताकि ये ब्रेड क्रम जो है ये जले ना, और जो आपका अंडा लगा हुआ ब्रेड क्रम के नीचे वो अच्छे से पक जाए। एक तरफ से हमने इसको किया, अब इसको दूसरी तरफ से हल्का सा पलटेंगे। ये देखें, इसका कलर भी बड़ा अच्छा आता है। आराम से इसको चारों तरफ से हमने पकाना है। पकाने के बाद आप देखेंगे इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। और आप इसको प्लेट में निकालें, और हम इसको केचप के साथ बच्चों को सर्व करेंगे। बच्चे केचप के साथ बहुत मज़े से खाते हैं। सो व्यूअर्स, देखें ये हमारा एग रोल बन गया है। आप देखें कि इसका कलर कितना प्यारा है चारों तरफ से। मैं आपको ये देखें फोल्ड करके दिखा देती हूँ। ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आया। इसको हम निकाल लेते हैं, और इसी तरह से हम बाकी के 3 भी बना लेंगे। इसको रख देते हैं इधर प्लेट में, और इसी के साथ ही बाकी भी 3 बना लेते हैं।